गाइस वेलकम बैक टू द चैनल पवार ब्रदर्स। तो कैसे हो सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज आपके सामने है महिंद्रा थार। थार को साइड करो, जैसे मैंने अलॉय व्हील के बारे में बताया था, अलॉय व्हील को साइड करो पहली वाली थार में। अब जो इसका मेन है, मतलब मैं क्या बताऊँ भाई, इसके जो है साइलेंसर है, और इनकी आवाज़ तो आपने सुनी ली होगी, एक बार फिर से सुनवा दूंगा। देख लो, पहले ध्यान तक गौर से देख लो ये क्या क्या सीन है, कैसे लग रहे हैं, क्या है। पेट्रोल ऑटोमेटिक में है भाई, ये पेट्रोल ऑटोमेटिक, ये साइलेंसर हमेशा पेट्रोल की गाड़ी में लगते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इनकी पूरी नॉलेज लूंगा मैं कि भाई अपने भाई भी अपने गैंग्स ऑफ थार है जो हमारा कोर्ट उसमें ही है, तो भाई से भी इसकी सारी नॉलेज लेंगे, कितने का क्या सीन है, कितने की मोडिफिकेशन होगी, कैसी लग रही है, कैसी ना लग रही है, मतलब क्या मजा आ रहा है। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। भाई अब मैं बुलाता हूँ अपने भाई कौशल चौधरी, बुला तो क्या भाई पहले तो सामने खड़े। तो भाई सुनाओ कैसी मौज आ रही है, बढ़िया एक नंबर। अब भाई धार झकास बना रखे हैं। सब तो पहले होता लाल कलर में क्यों, मतलब काले काली कलर की थार क्यों अच्छी लगती यार? काली मेरे पे ऑडी है, ठीक है। अच्छा भी थी मेरे पे, तो बोली मैं इस बार बोली कर रहा हूँ कि लाल यूनिक भी लगता है। हाँ। अब ज्यादा दिखती नहीं होगी लाल, ना दिखे, मतलब यार दिखी होगी, ग्रे दिखती है, ब्लैक दिखती है, सबसे ज्यादा तो ब्लैक दिखा है। ब्लैक तो मैंने सोची यार लाल ही ले ले, मतलब सही लगा तो मैंने कहा यही ले ले। अच्छा पेट्रोल ऑटोमेटिक, तो मेरे ख्याल भाई यहाँ में तो कुछ वेटिंग ज्यादा ना होगी इसमें, वेटिंग ही चार मैंने मेरे को चाहिए थी 31 मार्च को, तो मैंने कोई दिक्कत तो थी नहीं मेरे को, वैसे दे रहे थे मई जून में दे रहे थे। हाँ। तो एक भाई है अपने ढीलू भाई उनसे करवा के उन्होंने करवा दिया कि अभी 31 मार्च, मतलब अप्रैल 16, इसमें नंबर भी दे रहे थे 16 नंबर, मतलब 16 लकी नंबर मानते हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा, तो हमारी सारी गाड़ी का नंबर भी 16 है और अप्रैल 16 को ही ली थी यार, अप्रैल 16 को। अब मैं देख रहा हूँ कि आपने ग्रिल वगैरह चेंज करा रखी है, तो ये कहाँ से कैसे क्या कराया यार? ये सारा ये बिमरा से करवाया ये, और ये फाइबर है, ये मेटल नहीं है, लोग मेटल लगवा देते हैं, लेकिन मैंने फाइबर इसलिए लगाया क्योंकि इससे जैसे होता है बाय चांस कभी कुछ होना, एयरबैग अगर कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया तो इससे खुल जाए, मेटल वाले से ना। मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन एक जो बम्पर है मेटल की जो फील है, हम क्या अडा के चल रहा है जो भी है वो चीज़ है ना भाई, ये तो मतलब प्लास्टिक किसी चीज़ इसको, मतलब ऐसे दिखेगा नहीं किसी को, दूर से अगर कोई आता है तो इसको देख के डर के साइड हो जाता है कि हाँ भाई मेटल का है, मतलब एक तरीके से हम हाथी के शेर दिखावटी नहीं, कैसे क्या है वो डायलॉग है बताओ क्यों ना है, बंदर के सिर, अरे हाथ के दांत देखने के और खाने के और। हाँ, मतलब ऐसी चीज है कुल मिलाकर, मतलब बढ़िया चीज है। बढ़िया है, मतलब अभी वैसे ही चेंज कराने की सोच रहे हो क्योंकि देखो ये अभी ऑफ रोडिंग या तो ओटीआर में। हाँ हाँ, ये देखो ये निकलने को हो रहा है, ये इसको चेंज कराऊंगा या फिर ये पूरी मेटल ही, एक बार सोच रहा हूँ कि एक बार मेटल ही लगवा दूंगा। अच्छा भाई, मैंने बहुत सुना की ये जो लाइट्स है इनका थ्रो बहुत कम है, मेरे को तो बढ़िया लगा, लोग कहते हैं कम है लेकिन है ना, पर्सनली कोई दिक्कत तो अभी तक आई नहीं है। अच्छा अच्छा, हिमाचल भी चले गया अभी धार को लेके अपने। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अलॉय व्हील्स की बात करते हैं, ये मतलब क्या है, कंपनी फिटेड करेगा? नहीं है, ये सब कुछ स्टॉक है। हाँ? बस आगे और पीछे जो एग्जॉस्ट का आप दिखाओगे वो, ये मतलब पेंट कराया आपने? ये पूरा पेंट है, और ये डिस्क भी, डिस्क पीछे वाले पेंट है, आगे नहीं करा, इसके ये वाले पेंट करवाए। अच्छा अच्छा, एम स्टोलन भाई, पेट्रोल में मजा क्या आ रहा है यार? मजा पेट्रोल में है सच बताऊं, तो मैंने मैनुअल चलाई थी। हाँ। मैनुअल डीजल चलाई, मैंने मैनुअल पेट्रोल भी चलाई और ऑटोमेटिक डीजल भी चलाई, स्वाद उसमें ईमानदारी तो होता है, जब चलाते हो आप पे भी है, जर्क नहीं आता है, आपने तो खोल रखी है अपनी। भाई मैं अपनी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन जिससे भी पेट्रोल वाले भाई से बात करी वो ये बोलता है एनी टाइम कभी भी आ जाओ, पेट्रोल टक्कर ही ना दे पाई डीजल की, मतलब मैंने तो कभी ड्राइव रेस ना करी ना, पेट्रोल की ही जीत है कि मैं पेट्रोल की तारीफ कर रहा हूँ एक तरीके से। हाँ, पेट्रोल की बढ़िया, लेकिन भाई इसका एक रोना है, एवरेज तो है ही यार, अब आपकी में 2-4 ऊपर हो जाता, हमारी में 2-4 कम है। हाँ, वो 2-4 ही काफी डिफरेंस, डेली चलाने की मेरे हिसाब से है नहीं, मतलब मैं तो चला देता हूँ थार भाई, डेली हिसाब की है ही ना, ये एक ऐसा व्हीकल है कि मतलब संडे सैटरडे वीकेंड पर निकल लो, डेली के मतलब क्यों है ना, बस वही ये थोड़े से हम चला ले ना भाई। तो भाई अब आते हैं मेन इस टॉपिक पे, ये क्या सीन है, इसका क्या सोचा, मतलब क्यों लगवाया? तो बात बताओ क्या थी, जब ये गाड़ी ली थी ना मैंने। हाँ। सोच लिया था कि भाई पेट्रोल मैं लूंगा। हाँ। तो उसमें एग्जॉस्ट डलवानी है क्योंकि मेरे पास सिविक थी 1.8 लीटर। अच्छा, उसमें मतलब मेरे वो सेल आउट कर दी थी। हाँ। लेकिन उसकी आवाज मेरे मतलब वो थी कि मेरे को ऐसी भी गाड़ी चाहिए पेट्रोल में, इसका परफॉर्मेंस भी बढ़िया था, डीजल लेता तो आवाज ही नहीं आती। हाँ हाँ। और मैं था बैंगलोर में जब ये गाड़ी ली गई थी, जैसे ही आया, मतलब मैं कॉलेज में था, तो जैसे ही आया यहाँ पे उसके अगले दिन ही मैंने इसमें लगवा दिया, पहले दिन चलाई अगले दिन लगा दिया। अच्छा जी भाई, कितने रुपए की थी मतलब यार ये एग्जॉस्ट लगवाया? एग्जॉस्ट का पूरा सेटअप पड़ गया था यार 40 के करीब कुछ पड़ा था, 40,000। फील आ रही है? फील तो यार आपने चलाई है, कहाँ से लगवाया?
ये साइलेंसर आउट सीपी से लगा। अच्छा तो कैसा रिव्यू कैसा देना चाहोगे उनका? अच्छा है, रिव्यू बढ़िया है। मैंने पहले भी उनसे कराया, मेरे दो चार दोस्तों ने करा भी, मेरे नेबर ने भी उसी से करवा के, मतलब एक नंबर फील है, एक नंबर फील है। तो भाई इतनी तारीफ कर रहे तो आ जाओ फिर चलाते इस गाड़ी को, जहाज को, थार को, आ जाओ सारा मोंग। भाई पेट्रोल की ऑटोमेटिक थार, विशाल भाई देख रहे हो तो एग्जॉस्ट आप भी लगवाना चाहिए। एक एक हमारा भाई है विशाल, उसके पास भी यही है, उसने 22 इंच अलॉय व्हील लगवा रखा है, तगड़ी लगा है थार। चले भाई यार ये तो भगा है, उड़ा है गाड़ी। वाह वाह यार, बहुत स्मूथ स्मूथ लग रही है डीजल के आगे जा रही हो। और अगर एग्जॉस्ट बंद करोगे ना तो और स्मूथ लगेगी, बस वो गैसोलीन होता है पेट्रोल में, हाँ। तो उसकी वो शी शी कर की आवाज आएगी, और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत ना है। मतलब मैं जैसा भी हमारा थोड़ा सा ऐसा ही है रोड, ये तो जैसे घुमा रहा हूँ तो गाड़ी में डर सा लग रहा है कहीं पलट ना जाए, है ना, पूरी ऐसे घूम रही है यार ये पलट। महिंद्रा की कोई गाड़ी ले लो, कोई ले लो, तो अभी तो एक्सयूवी इन्होंने बना दी ऐसे भाई। कहां तक गया गाड़ी में, मतलब घूमने फिरने? मैं तो अभी तक यार जयपुर जा चुका हूँ एक बार, हिमाचल। मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा, अभी मेरी इंटर्नशिप शुरू हो गई थी, मैं कहीं इन्वेस्टर क्लिनिक करके कंपनी उसमें लग गया था, तो मतलब इतना टाइम नहीं लगा। लेकिन अब है कि इसको लद्दाख लेके जाना है, स्पीति लद्दाख तक लेके जाएंगे इसको पूरी। अच्छा जी, अब ये नहीं पता एवरेज कितना साथ देगी, लेकिन लेके तो जाने। तेल की क्या हिसाब है? तेल का यार हफ्ते भर में अगर आप डेली चला रहे हो, हफ्ते भर का ये पी जाएगी 5,000 का फुल टैंक हफ्ता भर। साथ की एवरेज दिखा रहे हो तो इससे हमेशा एक दो की कम ही देती है, मतलब 5-6 की दे रही है, मतलब यार है। और अगर हम बहुत गंदे तरीके से चलाए तो और भी कम, मतलब 5 तक भी गई है भाई इसकी एवरेज। अगर तमीज से चलाए तो 11 भी दिए इसमें, और मैं पूरा देख के चला रहा 80 की स्पीड में चलाऊंगा प्यार से, बढ़िया की भाई नहीं चल पाती यार, जो अपना चीज ले रखे ना मंदी यार, प्यार तो चल ही ना सके यार। लेकिन वैसे एक और चीज है कि इसको आप देखोगे तो 120 के ऊपर खुद हाईवे में नहीं लेके जाओगे, इतनी हिलेगी खुद ही बोलोगे कि यार 100 तक ठीक है। मेरे हिसाब से मैं तो यही करता हूँ कि 100 तक टिक जाए बस। अच्छा, क्रूज पर लगा देता हूँ। मैं जैसे अभी गया था हिमाचल, वो चंडीगढ़ वाला हाईवे नहीं है वहाँ पे, तो वैसे ही इतनी रोक टोक है वहाँ पे, रोक टोक भी, खड्डे वड्डे भी, वो हाईवे थोड़ा बिगड़ गया, मतलब वैसे पहले जैसे ना रहा भाई। ये क्या चीज है यार ये? अच्छा ये नहीं, हाँ ये चीज, ये कैमरा मेरे भाई ने लगवाई थी, ठीक ठाक नहीं इसका रिस्पॉन्स मेरे को, मतलब एक जो है ना जैसे इसको बैक करो तो इसका जो सेंसर है ना पीछे का, और क्लैरिटी भी मेरे को इतनी, एक हाँ ये क्लैरिटी भी इतनी लगी नहीं मेरे को। और इसका कभी कभी तो ये हुआ, एक दो बार गाड़ी की टच भी हो गई, एक बार सिटी वाली, मैं कहा कि यार सेंसर काम करेगा, मैं आराम से पीछे कर रहा, एक बार साइकिल वाला उड़ गया यार पीछे करते गए। ये महिंद्रा थार है, ये आपको वो फीचर वगैरह नहीं देती, ये बस थार है, इसका नाम ही काफी है, वो वाला सीन है। अब आपने रील नहीं डाली वो वाली कि भाई कैसे पानी में तो निकल रही है, कोई और गाड़ी कर पाती? ना ना यार, मैंने यार उसी जगह में क्रेटा और ऑडी दोनों यार कंपनी में गई थी। हाँ। मैं तो यार मेरे घर जैसे सोसाइटी घुसूंगा, हाँ। लेफ्ट में चले जाएगी चले जाएगी, मैं क्रेटा तो चले जाएगी, दोनों एक एक साल, हर साल जब बारिश होती है दूसरी या तीसरी साल में ये थी, मैं ये निकल गया यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वही तो भाई, और मतलब लाल रंग अट्रैक्टिव है, बढ़िया लग रहा है यार। अभी मैं सोच रहा हूँ पीपीएफ कराऊं या ना कराऊं, क्योंकि ऑफ रोडिंग जैसे कोई 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 फायदा नहीं है, भाई वही है फालतू की वेस्ट ऑफ मनी है। एक दो साल चला, तीन साल चला, फिर दो हाल है भाई, ये कुछ आफत ना रही है, तो भाई फालतू तो चले, मैं सीधी बात कहूँ पीपीएफ तो अपना होएगी तो खराब होएगी, दूसरी ले लेंगे। अच्छा तो तारीफ में क्या कहना चाहोगे थार की? यार थार ऐसी है जैसे टीएफ लोग कहते हैं फॉर्च्यूनर में फील है, लेकिन भाई थार और फॉर्च्यूनर में अंतर है जमीन आसमान का, लेकिन इसमें वो फील है जो फॉर्च्यूनर नहीं दे सकती। और नुकसान क्या है इसका? नुकसान तो यार ये है कि ये आवाज करते रहती है यार, ये साइलेंट में ज्यादा आवाज कर रहा है, तो भाई मेरी में तो यहाँ से भी आवाज आने लगी, आवाज करते रहती है। कहते हैं इसमें डैम्पिंग करा लो सही हो जाएगा, अब देखो अभी करवा के वो भी देख लेंगे, ये बहुत खिचखिच करती है। और बीच में ना एक टायर इन्फ्लेटर का भी तो अपने आप आ जाता है, अचानक से आता है, अचानक से बंद होता है, मीटर पे ना आंख ही रह रहा है भाई भाई भाई, थोड़ी सी दिमाग खराब करे कि यार क्यों लाइट आ रही है, वो इंजन लाइट जल जाती है और यहाँ पे दिखाते रहता है बार बार, तो वही सब दिक्कत है। और ये है कि भाई बॉडी रोल तो भाई खतरनाक है मेरे पास यार, यहाँ में कुछ ज्यादा ही हो रही है तेरी वाली तार में, पता नहीं यार, मैं तो यार इतना मेरे को आदत सी होगी यार, सच बताऊं तो यार आदत हो गया।
गाड़ी जोरदार बना रखी है। इसका यूज कितनी बार करा है यार? इसका तो अभी करा, जैसे आप भी हो गैंग ऑफ थार्स में, जैसे दो तीन बार, दो बार ओटीआर में जा चुका हूँ, तो इसका पूरा फोर व्हीलर का फुल यूज किया, फुल यूज है। ऐसे अगर नॉर्मल देखोगे ना तो नॉर्मल इसमें फोर हाई करोगे तो चले जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो अगर जैसे आप भी गए होगे अलवर वाले में, अलवर वाले में, तो उसमें पता ही होगा पूरी फोर, ये जो आपकी फोर लो है तो पूरा यूज है, लेकिन 20 से ऊपर चला नहीं सकते। ये तो है भाई। तो मतलब कुल मिलाकर टू दी एंड प्रीफर करोगे किसी को पेट्रोल ऑटोमेटिक? यार थार किसी की ना पहली या दूसरी गाड़ी नहीं, तीसरी गाड़ी हो सकती, सीधी बात है। अगर फैमिली वाला बंदा है तो, सब फैमिली वाले हैं इंडिया में, तो लग मतलब भाई तो किसी की भी भाई दूसरी भी नहीं बोलूंगा, तीसरी ही होगी। क्या जैसे ये लेने से पहले यार मेरे घर वाले कह रहे थे कि क्रिस्टल मेरे को बताया भाई, मैंने कैसे बनाई, घर वालों को यार नहीं यार ये ले लो उसके बाद ले लेना, अभी तक ले ही रहे हैं क्रिस्टल। तो ये है सर भाई, लोग देखते हैं लोग तो यार अभी तो इसमें काम करना, आगे आप वीडियो बनाना पूरी, मतलब जो इसका भी काम है, पीछे बम्पर चेंज करना ही सोच रहा हूँ, लाइट चेंज करना। जैसे ये एक और चीज, ये ऑफ रोडिंग करते हुए निकला इसका जो ये भाई मेरा निकल गए तो बहुत ये लो क्वालिटी है, पता नहीं ये क्वालिटी नहीं है यार महिंद्रा में, 1% की क्वालिटी। ये तो यूं निकल जा मैं बस हाथ लगते ही, मेरे दूसरे दिन निकल गए मेरा तो पता, मैं तो कल तक वॉशिंग करवाई थी गाड़ी, पता नहीं कहाँ चले मैं। ठीक है वेंट नहीं है वो जो जी वैगन वाले का, वो सोच रहा हूँ लगवाने की, वो लगवा दूंगा। वो लग जाएंगे 12-13 हज़ार लग जाएंगे, बढ़िया लगेंगे, लुक ठीक होगा, लुक। और वो एमिन लाइटिंग, एमिन लाइटिंग, क्योंकि लाइटिंग की कमी है अंदर, तो बहुत कमी है। रात को ऐसा लगता है कि यार कुछ है ही नहीं, बस वो जो है ना ये इसका लाल लाल सा ही है, ये बस ये दिखता है और कुछ नहीं दिखता। बिल्कुल। तो भाई आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। भाई का भी अपना एक छोटा सा चैनल, भाई नाम बताओगे? यार केसी व्लॉग्स है, अभी स्टार्ट किया है मैंने, बटिंग मतलब अभी यूट्यूबर हूँ, मतलब डेली व्लॉग्स डालता हूँ। हाँ मतलब हाँ। और गाड़ियों के बारे में भी डालता हूँ, भाई की गाड़ी के ऊपर भी अभी रिव्यू करेंगे, तो वो भी आप देखना, और अगर पसंद आया तो भाई प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। सुन ली ना, जाकर करो, चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ। और ये बैठो हमारे बीच है अमोंग गुलिया करोड़पति, बाय बाय टाटा।